गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति से चल रहे खिचड़ी मेले में रविवार को गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति से खिचड़ी मेला प्रारंभ हो जाता है, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति के भोर में गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर करते हैं। उसके बाद नागरिक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं और गोरखनाथ मंदिर में लगे मेले में तमाम तरह के झूले, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला, मौत का कुआं, गन शॉट, ट्रेन, बड़ा झूला पर बैठकर लुत्फ उठाते हैं। रविवार को गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ का दर्शन करने के बाद मेले में भारी संख्या में पहुंचकर झूले का लुत्फ उठाते नजर आए। यह मेला शिवरात्रि तक चलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा रविवार और मंगलवार को भीड़ होती है। जिला प्रशासन द्वारा मेले में सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है। मंदिर के सभी गेट पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मंदिर के गेट से घुसते ही श्रद्धालुओं की सघनता से चेकिंग की जाती है, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चंद्रावती शर्मा, अनीता शर्मा, अमरीश राय, अजनेर सुहानी और पायल ने कहा। निवासी पेड़ारी अंकिता अच्छा कर रहे हैं। अनु भाई साहब रंजना सहनी माधोपुर बच्चे को मतलब छाप गए हर्ष जायसवाल
विजय गुप्ता आजमगढ़ नैनी जोर गाँव से। आज आपको दर्शन करना है, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा दर्शन लेके हमें, मतलब पहली बार हमने सोचा था और आज हम यहाँ पर आ गए। मेला में घूमे? हाँ, मेला भी घूमे और थोड़ा सा बाकी यहाँ पर जो शायद घूमना है हमें। नहीं वो ठीक है, वो थोड़ा योगी जी के हम बहुत बड़े भक्त थे तो आज सोचा कि आज दर्शन ले लिया जाए गोरखपुर में आके। पहली बार आया? नहीं, पहली बार आया हम यहाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जैसा सोचा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, कि मुझे नहीं लगा था कि इतनी पब्लिक होगी यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। हाँ, योगी जी ने बहुत कुछ किया है, जबरदस्ती से हम आए हैं, रोड भी बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, कैमरा भी नॉर्मल इंसान लेके नहीं आ सकता। चंदाती शर्मा, कहाँ से आई? बरेली से। मंदिर आई है, कैसा लगा आपको? मंदिर बहुत अच्छा लगा मुझे। बचपन से तो यही लोग थे, शादी हो गया तो बरेली चले गए, और बरेली से आए हैं मंदिर घूमने के लिए। मेला
बहुत अच्छा लगा है, पहले से बहुत बदल गया है, बहुत अच्छा लगा। अनीता शर्मा बरेली से, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत घूम के मजा आया। कितने साल से आ रही हैं यहाँ पे? आए 13 साल के बाद, बहुत अच्छा लगा। मतलब 13 साल पहले क्या था और क्या है, क्या इतना 13 साल में बहुत बदल गया, मैं पहचान भी नहीं पाई। पहले क्या था, क्या है? मतलब बहुत ये सब हुआ, मतलब कुछ अलग मंदिर भी बन रहा है सब, ये फूलों सब पौधा उधर लगे, पानी वानी वाला सब लग गया, बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ भी है, हम इतना भीड़ कभी देखे भी नहीं थे। मेरा नाम अमरीश राय है। कहाँ से आए? हम गोरखपुर के ही लोकल हैं जी। वहाँ मंदिर हमेशा आना जाना होता है अक्सर? कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार परिवर्तन दिखने को मिल रहा है, जो शायद करीब 25 सालों से नहीं हो पाया था। तो वो एक काफ़ी भीड़ भी मंदिर में जी, आज रविवार, हमारे ख्याल से रविवार का दिन होने के नाते इतनी भीड़ है। आंजनेय नाम है। कहाँ था? गोरखपुर। मेला घूमने आया? हाँ हाँ, लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना आपने एंजॉय किया? अभी तो सिर्फ बोर्ड घूमे, अभी अंदर जाएंगे। क्या क्या घूमा, मतलब क्या क्या घूमना है, हर सोच के आएंगे ना क्या? हाँ, वो झूला झूलना है और दर्शन भी किया है अभी। कैसा लग? बस अच्छा लग रहा है। संडे के दिन आते हैं बस, बाकी नहीं, आज संडे के दिन केवल आए हैं। और मेरा नाम सुहानी है, मिर्जापुर से। लालडी मिर्जापुर। हाँ, कैसा लगा आपको? मंदिर में आके अच्छा लगा, और इस साल मंदिर की सजावट बहुत अच्छा हुआ, और अच्छे अच्छे सुविधा भी हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं। क्या क्या घूमा आपने यहाँ पे? अभी तो केवल मंदिर ही घूमे हैं, अभी बाहर जाएंगे तो और भी घूमेंगे। क्या प्लानिंग है आगे? झूला झूलने का, और कुछ नहीं। मेरा नाम पायल है और मैं देवरिया से आई हूँ यहाँ पे, यहाँ पे गोरखनाथ घूमने, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे बहुत अच्छे से सुविधा है, और प्लस यहाँ पे घूमने में बहुत अच्छा लगा। पहली बार आई हैं? पहली बार नहीं, कई बार। कई बार आ चुकी हैं। क्या प्लानिंग करके आई हैं मेले में घूमने के लिए? घूमना है और मछली